शिखा और मेरा रिलेशन 14 इयर्स. सनी एंड मी वी मेट एट क्लासेस व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड. कोइंसिडेंटली वी मेट, अ बैच वाज डिफरेंट. तो क्लासेस में जैसे भी हुआ धीरे 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 मिलते मिलते वी वर किड एंड ही प्रपोज्ड मी इन फ्रेंडशिप ओनली आवर गर्ल्स एंड ऑल. यस यस कम ऑन से यस एंड आई टोल्ड यस एंड द नेक्स्ट डे ही जस्ट स्टॉप मी इन बिटवीन एंड ही सेड इफ यू आर सीरियस तो हाँ बोलना नहीं तो नहीं. जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी. उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं. क्लासेस बंक करके हम लोग घूमने गए थे तो क्लास के प्यून ने फोन करके बता दी कि हम लोग गए थे ऐसे ऐसे, इन लोग क्लास नहीं आए. तो मॉम डैड ने बोला कि ये तो गया था क्लास के लिए. मॉम डैड या सनी के घर में कुछ इंट्यूशन हो जाता था, वो सडनली हमारे क्लासेस में फोन कर देते थे कि हाँ शिखा है, तो क्लासेस वाले, अरे शिखा नहीं है तो सनी भी नहीं होगा, तो वो सनी के घर पे फोन करते थे, अरे सनी आया, हाँ सनी तो क्लासेस गया है. एंड वो घर पे तुरंत पता चल जाता था कि, और हम आए जब तक पिक्चर से तो हमारी पिक्चर शुरू हो जाती थी कि हाँ बाबा हमने तो आज बंक किया था. मॉर्निंग व्हाट हैपेंड कि आई टुक अ बाथ एंड आई वाज क्राइंग इन माय बाथरूम ओनली. अब यहाँ कब नहाऊंगी मैं. आई जस्ट केम अप फ्रॉम माय बाथरूम एंड कॉल अप सनी. आई एम लाइक मैं यहाँ कब नहाऊंगी एंड आई वाज क्राइंग. वाज लाइक व्हाट इज दिस, दो मिनट पे रहती हो रोज शाम को नहा के आ जाना घर पे. माय कबर्ड, माय वार्डरोब, माय बाथरूम, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लोज टू मी एंड वाज एंड माय डैड्स लव, मॉम लव, माय मॉम केयरिंग, मेरी दादी जी वो बहुत क्लोज है मुझसे, मैं उनको बहुत ख्याल रखती हूँ. Everything तो याद आएगा ही. करूंगी ही सो मच केयरिंग कि अगर मैंने नेल पॉलिश भी लगाया यार, इफ आई एम ओपनिंग अ बॉटल तो वो बॉटल वो खुद खोलते कि अरे बाबा नाखून नहीं खराब होना चाहिए. एंड व्हेन आई एम वेयरिंग अ साड़ी इफ आई वॉक तो मेरा पल्लू उठा के चलते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ अभी भी. और फर्स्ट टाइम आई वो माई साड़ी दैट टाइम ऑल्सो, बट मॉर्निंग आई वॉज लाइक एज इफ आई वॉज सो वरीड एंड आई वॉज सो टेंस दैट मैं कोई बोर्ड एग्जाम देने जा रही हूँ. मैं इतना टेंशन में थी, इतना अंदर से कुछ डिफिकल्ट. आई थॉट कि लव मैरिज में ये है तो अरेंज मैरिज में आई डोंट नो व्हाट कि फीमेल्स पे लड़कियों पे क्या होता होगा. संग बैर हो
being 14 years we are together. शादी तो मुझे करनी थी लेकिन मॉम डैड को छोड़ के नहीं आना था. मेरा हर स्टूपिड गलती, मेरा एग्रेसिव नेचर, मेरा डोमिनेटिंग नेचर, मेरा सब कुछ तुम, मेरा स्टूपिडपन, मेरा सब कुछ तुम टॉलरेट करते हो. आई नो आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू. तुम चिढ़ाते हो ना इस जन्म में मिली हर जन्म मत मिलना, बट आई विश कि तुम ही मिलो. वन थिंग इन यू इज़ यू आर वेरी लॉयल, यू आर वेरी लॉयल एंड यू आर वेरी मच लॉयल. वो कोई टच नहीं कर सकता. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम गेटिंग मैरिड टू यू. प्लीज़ ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी. हाँ डैड जैसा तो नहीं करोगे, मुझे पता है स्टूपिड हो तुम, लेकिन फिर भी